इस ट्रांसफॉर्मेशन क्लिप में माई बैक चेंज हेविली फ्रॉम ईयर टू टू ईयर थ्री। अब ऐसा कैसे किया मैंने, आज सब बताऊंगा मैं। खासकर ये तीन एक्सरसाइजेस जो तुम्हें करनी ही करनी है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो योर बैक कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर बॉडी पार्ट्स और ये होते हैं लैटिस में डोर्साई, ट्रैपीजियस एंड रोम्बॉइड। अब मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बैक डे पे 10 से 15 एक्सरसाइजेस बैक की करते हैं and still they don't see any progress. अगर तुम भी उनमें से हो, let me tell you what are you doing wrong. तुम क्यों basics को भूल रहे हो? Chin-ups is the best exercise to grow your back. इससे अच्छी कोई भी exercise नहीं है। अगर तुम 3 से 4 chin-ups भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कैसे expect कर सकते हो कि तुम्हारे back में कोई बहुत बड़ा change आएगा? Sure, if you are a beginner and you can't do even one, it's fine. सही time पर तुम ये video देख रहे हो। तुम्हारा major goal on back day होना चाहिए to get as strong as you can get on your chin-ups. तुम अभी सिर्फ 2 से 3 chin-ups कर पा रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन next month तक ये 2 से 3 chin-ups 7 से 8 हो जाने चाहिए। तुम अभी 7 से 8 कर पाते हो, ठीक, नेक्स्ट मंथ तक ये 12 से 15 हो जाने चाहिए। और अगर नॉर्मल चिनअप्स तुम्हारे लिए बहुत इजी है, डोंट वरी, यू आर इन द बिग लीग्स नाउ। हमारे लिए अब मेजर एक्सरसाइज होगी वेटेड चिनअप्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत कम लोग 20 केजीज की प्लेट को फंसा के 10 से 12 चिनअप्स मार पाते हैं। तुम्हें अगर एक्चुअल प्रोग्रेस देखनी है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, हर वीक तुम्हारा गोल होना चाहिए एटलीस्ट 1 चिनअप्स पिछले हफ्ते के कंपेरिजन में ज्यादा मारना। 12 रेप्स तक पहुंच जाओ सेम वेट से, ग्रेट, अब वेट बढ़ा दो, 22.5 से मारो अब। अगर तुम ये चीज कंसिस्टेंटली करते हो, योर बैक प्रोग्रेस विल बी इनसेन। यहाँ लोगों को लगता है कि जितनी अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा गेन्स दिखेंगे। दैट्स जस्ट बीइंग स्टूपिड। इंस्टेड अगर तुम अपने बेसिक्स पे कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हो, you will see 10 times more progress. Now the question arises, why chin-ups and not pull-ups? Because chin-ups engage your lats far more better. मैंने दोनों try किए हैं weighted पे मारने का, लेकिन I feel like कि chin-ups मेरे lats पे ज़्यादा अच्छे आते हैं। तुम्हारा goal है अपने back को more wide करना, more thick करना, तो तुम्हारे workout program में chin-ups होने ही चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि कोई एक exercise important नहीं होती, हर exercise का कोई ना कोई alternative होता है, पर इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये एक्सरसाइज तुम्हें करनी ही करनी है। मैं हफ्ते में एक बार चिनअप्स करता ही करता हूँ। नाउ अब दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज, सी इट इज अंडर हैंड एंड ओवर हैंड रोइंग। देखो भाई, दो टाइप की बारबल रोइंग होती है, एक होती है अंडर हैंड और एक होती है ओवर हैंड, और ये दोनों एक्सरसाइजेस डिफरेंट डिफरेंट बैक मसल्स को हिट करती है। अंडर हैंड मैंने पिछले 1 साल से करना चालू किया एंड आई एम लविंग दिस एक्सरसाइज। इससे तुम्हारे लैट्स और बाइसेप्स दोनों काफ़ी एक्टिवेट होते हैं, जो कि ओवर हैंड में नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी ग्रिप तुम्हारी इसमें नैरो रहती है। एंड वेन इट कम्स टू ओवर हैंड, इट टारगेट्स योर अपर बैक मोर। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है जो मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ एंड मैंने हर वीडियो में भी रिकमेंड की है। इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू गिव दैट मच नीडेड थिकनेस टू योर अपर बैक। सी पहले मैं सिर्फ ओवर हैंड करता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने अपने पुश पुल लेग रूटीन में थोड़े चेंजेस किए हैं कि एक पुल डे वाले दिन मैं ओवर हैंड ड्रॉइंग करूंगा और दूसरे पुल डे वाले दिन अंडर हैंड। और भी कई चेंजेस मैंने स्प्लिट में किए हैं, विच हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। पहले मैं सोच रहा था कि ये नए पुश पुल लेग रूटीन को एक ईबुक की तरह निकालूं फॉर सम मनी, बट फक इट, अगर तुम्हें ये वाला वर्कआउट रूटीन फ्री में चाहिए तो बस मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि हाँ तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हो, और एक नीचे कमेंट डाल दो हाउ माई वीडियोज हैज हेल्प्ड यू इन वन वे और द अदर। बस ये 2 चीजें तुमको करनी है, 1 सब्सक्राइब, 2 कमेंट, दैट्स इट। जो स्क्रीनशॉट भेजेगा मुझे इंस्टाग्राम पे इस यूजर नेम पे, आई विल गिव यू दिस वर्कआउट प्रोग्राम फॉर फ्री। अब भाई देखो, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मेरे चैनल को भी होना चाहिए ना। आई थिंक इट्स फेयर। ये वाला पुश पुल लेग स्प्लिट वर्कआउट प्रोग्राम पिछले वाले से काफी अपग्रेडेड है और काफी डिटेल में भी है। ट्रस्ट मी, दिस वर्कआउट प्लान विल बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर यू as well. So yeah, in short, get strong in the basic movements, especially chin-ups. Chin-ups ko skip mat karo. 4 sets for 5 to 6 reps karo hi karo har hafte. Baaki apni diet pe dhyan do, halki si surplus mein khao, and there's
नो वे, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि तुम प्रोग्रेस ना करो. सो या बी पेशेंट, वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट. तो भाई आज के लिए इतना ही है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई के लिए लाइक कर दो, और अगर फ्री वर्कआउट प्लान चाहिए तुमको तो स्क्रीनशॉट भेजने का याद रखना. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक. बाय.